वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से व्लॉग में। आज का ये व्लॉग काफी ज्यादा अलग होने वाला है। आज हम घूमने फिरने वाला, एडवेंचर वाला कुछ नहीं दिखा रहे। आज मैं जा रहा हूँ इन पहाड़ों पे, और इन पहाड़ों में कुछ लोग रहते हैं और यहाँ पे फार्मिंग वगैरह करते हैं। तो इनका लाइफ कैसा होता है, कैसे स्ट्रगल करते हैं, वो सब हम जानने का कोशिश करने का पूरे डिटेल्स में। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, निकलते हैं। और रास्ता भी भाई, ओह रास्ता भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है भाई। बारिश होने के, ये पहाड़ एरिया ना तो गीले गीले हो जाते हैं, तो स्लिप करने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बी केयरफुल होके जाना पड़ेगा हमें। अपना नाश्ता वगैरह हो चुका है, सिंपल सा चाय, ब्रेड, ऑमलेट, और उसके बाद फल वगैरह खा के अभी मैं निकल रहा हूँ। आज को पानी थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था पानी थोड़ा सा कम था। तब इसको आराम से पार करते हैं, और इतना भी गहरा पानी नहीं है, मैं इजिली क्रॉस कर लूंगा, बट फिर भी केयरफुल तो रहना पड़ेगा ना भाई। क्या खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, बस ये पानी थोड़ा सा गंदा नहीं दिखता ना, तो सच कह रहा हूँ क्या मस्त दिखता। हाँ पानी देखो यहाँ तक है। अगर सपोज बारिश ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, तो इनका तो कनेक्शन ही खत्म हो जाता होगा पूरा, क्योंकि उस तरफ से शायद नहीं जाते होंगे। श्योर नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, शायद नहीं जाते होंगे। अगर ये मेन रास्ता होगा तो बारिश होने के बाद तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता होगा। अभी मैं आ चुका हूँ जिस अंकल से मैंने बात किया था कि आपके लाइफ के बारे में, थोड़ा जो फार्मिंग लाइफ है वो जानना है मुझे। उनका घर यहाँ पर है, वो सुबह सुबह लग चुके अपने कामों में, तो मैं चलता हूँ उनके पास में और उनका लाइफ स्टाइल देखते हैं कि वो कैसे यहाँ पर रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद फार्मिंग वगैरह करते हैं। तो वो अंकल जी है उस तरफ में, वहाँ पर काम कर रहे हैं, और रास्ता इधर से ही होके जाना पड़ेगा। एक भैया मिले थे हमें, भैया का जो घर है वो ऊपर साइड में बता रहे थे, यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं बट काफी दूर पड़ेगा। आई थिंक मैं गया नहीं हूँ। टैक्सी अगर ले जाने से किधर से लेके जाते हैं आप? हाँ गाड़ी को वो वाला जो रास्ता है ना उस तरफ से, अभी ये लेके जाते हैं इधर, आराम से जाता है वो भाई ये देख के तो सुन के ही डर लग रहा है भाई, ये गाड़ी इसके ऊपर लेके जाता है भैया। आपको तो पूरा एक्सपीरियंस होगा ना। आपका कौन सा ट्राइब है भैया? आपका कौन सा ट्राइब है? आपका ट्राइब कौन सा है? कौन सा मतलब यहाँ का, आप कौन सा लोकल है ना, तो कौन सा ट्राइब है आपका? जैसे जाति, जाति कौन सा आपका? जैसे कि एक हमको पता है खासी, खासी ट्राइब है ना, आपका कौन सा है? हाँ नोरम। ओके, तो उसमें आप लोग गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं, मतलब नमस्कार कैसे कहते हैं? हुबले और तो वो हुबले हुबले, ये तो खासी में भी बोलता है क्या? ओह तब तो ठीक है, हुबले क्या? ओह ये भी काम करना है, अच्छा ठीक है, आइए फिर हम चलते हैं अंकल के पास में। ये है इनका गाय का घर, ये है मुर्गी का घर, और उस तरफ में मैंने देखा था तो पीक का घर बना कर रखा हुआ था। तरफ देखोगे इनका पूरा खेती वगैरह लगा कर रखा हुआ है, आगे में भी बहुत कुछ लगा कर रखा है, काफी दूर जाना पड़ता है, तो मैं चलता हूँ इस तरफ में। ओ और ये देखो क्या मस्त दिख रहा है भाई, इधर में शायद कुछ तो खेती करके रखे हुए, अब क्या होगा ये नहीं पता, पर जो भी हो देखो कितना प्यारा दिख रहा है, पूरा एकदम मेंटेन करके मैं भी खेती करके रखा हुआ है। देखो ये क्या है पता नहीं, अंकल से जाके बात करते हैं, लेट्स गो। इधर मिट्टी पूरा गीला गीला था, अपना चप्पल निकाल देता हूँ, नहीं से भाई कहीं फंस वस गया तो वो भी दिक्कत होगा। ओह लेट्स गो। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हैं? ठीक है। ये क्या चीज के लिए खेती कर रहे हो आप? ये धान। धान के लिए? धान के लिए। उसका बीज आपने लगा कर रखा पहले से? और सबसे पहले अंकल आप कौन सा ट्राइब के हैं? है? कौन सा ट्राइब है आपका? हम नोंगरूम। नोंगरूम? ओ, पक्का नोंगरूम। ओ, खासी, खासी, खासी भी आप लोग बोलते हैं ना? नोंगरूम। तो उसमें नमस्ते कैसे बोलते हैं आप लोग? नमस्ते खुबले। खुबले? ओ खुबले। मिचिन है ये सूता वाला ने खेत सकता ने मिचिन ये पुतला है। ओ दिगदार है तू सूता वाला बड़ा खेत आराम से। ओ तो ये अंकल ये जो आप खेती करे जितने भी किए वो सब आपका है ना इधर से? ये खुद करते हैं और बाजार में बेचते हैं ना? आप अकेले करते हैं?
आप अकेले करते हैं? वो भाई अंकल का खेती यहाँ से लेके यहाँ तक ही मत नोटिस करो आप लोग, वो उधर दूर तक एक आपको येलो कलर का जो दिख रहा है ना, उससे भी दूर तक में पूरा खेती करके रखा है। इनफेक्ट नीचे साइड में है उस तरफ में। कौन सा वाला? वो वाला अदरक। अच्छा वो भी मतलब क्या बोलते हैं अदरक को? कुछ कुछ सीख रहे अंकल जी का, थैंक यू अंकल। ये हडियम। कौन सा? ये मकई। हडियम मकई को हडियम कहते हैं। हडियम है। चलिए और कुछ नया सीखे। अभी तो आपको काम करना पड़ेगा ना इधर, तब तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि आपका काम भी जरूरी है। आप बस थोड़ा सा मैं उधर एक्सप्लोर कर लूंगा, देख लूंगा क्या क्या है, क्योंकि ये सब आपका है क्या? ऊपर तक वह ऊपर में भी जाते हैं ना लगाने के लिए? यहाँ पे आप क्या क्या लगाते हैं ज्यादातर? अदरक है। अदरक, गाय रखो गाय है, और क्या क्या रखे आप? सुंगर भी है और अटवा। अच्छा अंकल, आपको यहाँ पे खेती वगैरह करने में तकलीफ होता है? तकलीफ है ना, ये दिखाइए थोड़ा। अंकल जी का भाई बुआई से भी पूरा टाइट है हाथ, देखे ये हमारा, देखिए ना लेग पीस वाला कमजोर। आपको पूरा स्ट्रॉन्ग है। आप तो मेहनत करता ना? नहीं करता ना, लकड़ी बोक, क्या क्या सामान बोक। अच्छा आप अंकल गाड़ी से सब सामान लेके आते या ऐसे साइकिल वगैरह से? जीप से। वो आपका क्या भाई लगता है उनका घर? आप कितने भाई हो? आठ भाई है। ओ भाई आठ मतलब बारह आपको भाई बहन। ये जो भैया का घर किस तरफ है? इस तरफ सर। इधर से जाते हैं क्या? हमारा उधर मोला है। ओ उधर पैदल जा सकते हैं? समय लगेगा ना थोड़ा। ओहो तब तो नहीं जा पाए। ऊपर से भी रास्ता है क्या अंकल कहीं जाने के लिए? अच्छा आप लोग का मेन रास्ता तो अभी यही होगा ना, और बारिश वरिश होने से ज्यादा पानी से तब क्या करते हैं? तो मुश्किल है ना। अच्छा स्कूल सब मूल है, पहला थे बिथोनी बीपीएल, अभी दिकदार है। तो ये आपका लास्ट है ना यहाँ तक? वो सब करना है ना। ओहो दो तीन चार चट्टू बाकी सब घास काट दिया। और ये घास सब गाय लोगों को खिला देते ना? गाय खाता है ना? नहीं खाता। ये खतरा है, डेंजर है वो। गाय लोग खाने के लिए रिस्क है ना। सब खराब है। अब अंकल कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? ये कब से कर रहे हैं? दो दिन से कर रहे हैं। अच्छा वहाँ से लेके यहाँ तक ना अकेले कर रहे हैं आप? भाई अंकल का लाइफ देखो भाई, इतना आपका उम्र कितना हो गया अंकल पहले बताएंगे? एज उम्र 50 मतलब 50 ना? ओ भाई 50 ईयर में भी अंकल एकदम फिट दिख रहे हैं और ऊपर से पूरा खेती कर रहे हैं अकेले। भाई अंकल आप तो एकदम स्ट्रांग है, आप लोगों की वजह से हम लोग का पेट में एकदम खाना जाता है। आप लोग इतना मेहनत करते हैं तभी हम लोगों का पेट ऐसे निकला हुआ है। ठीक है अंकल, आप अपना काम कीजिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे फिर मेरा जो सब्सक्राइबर कोई कोई भड़क जाएंगे। आपका है? कुछ बोलेगा नहीं ना? नहीं बोलेगा। ठीक है अंकल। और ये अंकल का कोर देखो, इसको क्या कहते हैं अंकल आप? ये वाला, ये नेपाली कुतली। नेपाली कुतली मतलब बोखो। ये सब वो, ये तो पूरा क्रॉस टाइप में है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं अंकल? कोर बोलते हैं। कोर हाँ, मिट्टी करने वाला। हम लोग का थोड़ा अलग सा होता है, आपका तो कोर जी अलग अलग नहीं, आसाम अलग है, ये खसी अलग। और भारी भारी था? भारी है ना? भारी है तो। फिर भी आप पूरा कर रहे हैं भाई, मानना पड़ेगा आपको अंकल। ये लीजिए आप कीजिए, थोड़ा सा हम देखेंगे कैसे करते हैं आप। भाई ये देखो भाई, सब दे सका ना।
अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या लगा के रखा हुआ है। अंकल जी काम कर रहे थे, वो बोल रहे थे मैं चलता हूँ तुम्हें थोड़ा दिखा देने के लिए, बट मैंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम छोड़ के जाएंगे मुझे दिखाने के लिए तो मुझे ही खराब लगेगा। इसके लिए मैंने बोला अंकल आप काम करते रहो, मैं देख लूंगा और थोड़ा दिखा लूंगा जो भी होगा। इनका पानी सप्लाई करने का तरीका देखो भाई, एक जगह से दूसरी जगह पाइप का यूज कर रहे हैं, सही है भाई। और यहाँ पर तो पानी आई थिंक अवेलेबल रहता होगा क्योंकि मौसम ही ऐसा है, बारिश कब आ जाएगा कोई भरोसा नहीं, तो बारिश के पानी का कोई टेंशन ही नहीं होता होगा। ये भी सब तैयार करेंगे अभी धान के लिए, कितना मस्त लगेगा ना जब धान स्टेप बाय स्टेप ऊपर लगते हुए दिखेगा तो आय हाय, वैसा नजारा तो देख नहीं पाएंगे। बट यहाँ से लेके थोड़े दूर तक पूरा आपको मकई देखने को मिलेगा, और इन मकई के बीचों में कुछ अलग सा भी खेती करके रखा हुआ है। कुछ यहाँ पर देखो भाई चिल्ली की खेती करके रखा हुआ, एकदम छोटा छोटा साइज का होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इसका जो पौधा देख रहे हैं ना उसके अंदाज से, ये देखो कुछ इस प्रकार का इनका यहाँ का चिल्ली है छोटे छोटे वाले। ये आपको साइड साइड में ऐसे पूरा वहाँ तक देखने को मिलेगा। मुझे कन्फ्यूज होता है पम्पकिन और लौकी का को लेकर, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है ये क्या चीज़ का है, आप लोग देख के बताना कि ये कौन सा सब्जी का प्लांट करके रखा गया है। मस्त लग रहा है यार। यहाँ पर देखो छोटे 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 आपको कुछ दिख रहे हैं, ये कोई सीड होगा या क्या होगा मुझे कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पर एक ही जगह नहीं सब तरफ दिख रहे, तो कुछ लगा कर रखा होगा। दोस्तों मुझे दिख गया है यहाँ पर पोमेलो फ्रूट, अब इसको आप लोग क्या कहते हो कमेंट करके बताना। यहाँ पर दो पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ में थोड़ा सा कम मुझे दिख रहा है ये फ्रूट, और इसमें मुझे ज्यादा दिख रहा है। इस तरह में भी पूरा धान लगाया जाएगा, उसका भी प्रिपरेशन चल रहा है। और धान का जो सीड है वो यहाँ पर देखो, एक दो तीन चार, चार जगह में ऐसे पूरा मकई के साथ में लगा कर रखा हुआ है। उस तरफ के कुछ लोग रहने वाले सारे पानी यहाँ से लेके जाते हैं। जो पानी जो देख रहे हो ना, ये पूरा माउंटेन से आ रहा है, एकदम फ्रेश फ्रेश पानी भाई। वो स्पीड देखो कितना मजा है भाई। यहाँ पर लगा कर रखा हुआ ये जो देख रहे हो, ये है कुकुम्बर खीरा, इसमें अभी छोटे छोटे हुए भी है। अभी यहाँ से चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। और मोस्टली यहाँ पर मैंने अभी तक दिखा, मैंने नोटिस करके रखा है यहाँ पर सबसे ज्यादा मकई का खेती करके रखा हुआ है, खीरा है, चिल्ली है, उसके बाद शायद पम्पकिन या लौकी का खेती करके रखा हुआ है, उसके बाद करेला है, एंड धान भी कुछ दिन बाद लगाना शुरू कर देंगे, अभी धान भी लगाया हुआ है, एंड कुछ ऐसे वाले पहाड़ों के ऊपर में अदरक लगा कर रखा हुआ है। इनका लैंग्वेज में भी कुछ कुछ बता रहे थे, आपने शायद सुना ही होगा, मैं भूल गया इतना जल्दी। तो बस यही कुछ लगा कर रखा हुआ है। और इनका लाइफ देखा बहुत अलग सा है भाई। अभी हम आ चुके हैं अंकल के घर के अंदर में, और यहाँ पर देखो एक दो तीन चार बिल्ली के भाई बिल्लियाँ कितने मस्त लग रहा है, और उसमें से एक ये बच्चा, ओ और एक आ गया। वाह अंकल का बात सुनता है पूरा, वाह। सबसे बड़ा कौन सा अंकल? ये लड़का, लड़का वो लड़का है, सब लड़का, ये सब लड़का है, वो एक लड़की, ओ भाई। और उसका एक बच्चा, एक ही बच्चा अंकल? दो घूम रहा होगा। और अंकल लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ते में ड्राई फिश लेके आए क्या अंकल? ये क्या खरीद के लेके आते हैं या पकड़ते हैं आप लोग? खरीद के लाते हैं। अच्छा तो खूब लाए, बाय 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 भैया, ठीक है चलते हैं। म्याऊ 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 ओह म्याऊ म्याऊ। मेरे पास वक्त बहुत ही कम है, इसीलिए मैं ज़्यादातर वहाँ पे रुका नहीं और ज़्यादा आपको दिखाया नहीं, बट मेरा मन कर रहा था कि इनका जो लाइफ है ना खुद से करके देखे, खेती वगैरह करके देखे, कितना मज़ा आता ना।
काश मैं और कुछ दिनों के लाता, लाइक 15-20 दिन के लाता ना, तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करता इनके साथ फार्मिंग लाइफ कैसा होता है। और अंकल को तो भाई सैल्यूट यार, इतना 50 इयर्स का होने के बावजूद भी इतना काम कर, इतना दूर तक खेती करके रखा हुआ है भाई, इतना आसान है मेरे जैसे इंसान के लिए तो भाई वाट लग जाएगा, मैं तो आधा खत्म हो जाऊंगा। पर बहुत अच्छा लगा अंकल से मिलकर, कितना खुशी से इतना स्माइल कर करके बता रहे थे एवरीथिंग। थोड़ा समझने के लिए मुझे मुश्किल लग रहा था, उनका जो बोलने का टोन अलग है और मेरा टोन अलग है, बट फिर भी वो भी समझ रहे और मैं भी समझ रहा था। और मेरे पास थोड़ा सा और कुछ समय होता तो मैं इस तरह में भी जाके देखता इनका लाइफ कैसा होता है। इधर में आई थिंक खेती वगैरह नहीं करके रखे क्योंकि एक घर के बाद दूसरे घर दिख रहा है उधर, बट उनका वहाँ पर सिर्फ एक ही घर है और उधर में पूरा खेती दिख रहा है। ये मैं जब आया था फर्स्ट टाइम इधर, तभी मैं पूरा डिसाइड कर रहा था कि यहाँ पर तो मुझे जाना है जाना है, और आप लोगों को दिखाया इनका लाइफ। स्ट्रगल तो है भाई, फार्मिंग लाइफ तो स्ट्रगल तो है, मानना पड़ेगा। और उन लोगों को सैल्यूट, जय फार्मर, क्योंकि उनके वजह से हम लोगों का पेट आज भरा हुआ है। तो वेल, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।